तो कहानी की शुरुआत 100 साल पहले से होती है, जहां डेमोन आर्मी गॉड्स पर अटैक कर रहे थे। लेकिन गॉड्स का गार्डियन डेमोन आर्मी से अकेले ही फाइट कर रहा था और आसानी से हरा भी रहा था। लेकिन गॉड्स के बीच एक धोखेबाज था जो गार्डियन पर पीछे से अटैक करता है, जिससे गार्डियन की मौत हो जाती है और उसकी सोल 72 टुकड़ों में बढ़ जाती है और ह्यूमन वर्ल्ड में फैल जाती है। गार्डियन के मरने के बाद डेमोन्स गॉड्स पर अटैक करते हैं। सभी गॉड्स मिलकर उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि डेमोन्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, इस वजह से गॉड्स हारने लगते हैं। मगर पूरी तरह से हारने से पहले गॉड्स ने अपनी पूरी पावर का यूज करके डेमोन्स को सील कर दिया था। पर अब गॉड्स के न होने की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल लड़ाई झगड़े होने लगे। अब दुनिया को पहले जैसा करने के लिए गार्डियन की सोल के 72 टुकड़ों को वापस लाना होगा और उसकी पावर की मदद से गॉड्स को सील से छुड़ाना होगा। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां हर जगह लड़ाई हो रही होती है। एक घर में दो भाई येन और चैन थे, लेकिन वो जगह गिरने वाली थी, इसलिए येन अपने छोटे भाई को अपने साथ लेता है और सही समय पर घर से बाहर आ जाता है, क्योंकि उनके निकलते ही वो घर गिर जाता है। फिर हम उनके फादर गोंग को देखते हैं, जो एक स्ट्रांग डेमोन से फाइट कर रहे थे और वो डेमोन गोंग से काफी ज्यादा स्ट्रांग था। वो डेमोन गोंग को एक पिलर पर फेंक देता है। तभी वहाँ दोनों भाई भी आ जाते हैं, जो अपने फादर की मदद करना चाहते थे। लेकिन तभी उनके सामने डेमोन आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोंग उसका अटैक रोक लेते हैं और डेमोन के सर पर मारकर उसे थोड़ा दूर कर देते हैं। फिर गोंग दोनों भाइयों को एक पिलर के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो सेफ रहे। वो डेमोन फिर से गोंग पर अटैक करता है, लेकिन फिर गोंग अपना वेपन नानचाकू में बदल लेते हैं। फिर नानचाकू की मदद से डेमोन का गला पकड़ लेते हैं, लेकिन डेमोन वेपन की चैन तोड़ देता है और गोंग को हवा में फेंक देता है। फिर गोंग नानचाकू की तीनों स्टिक को डेमोन की तीनों तरफ फेंकते हैं, जिसके बाद गोंग अपनी स्किल की मदद से डेमोन को ट्रैप में बंद कर देते हैं। हालांकि गोंग को पता था कि वो ट्रैप ज्यादा देर काम नहीं करेगा, इसलिए अपने दोनों बेटों के साथ वहां से भागने लगते हैं। वो तीनों एक केव में पहुंच जाते हैं। केव में हर जगह पेड़ों की जड़ें थी। फिर गोंग अपनी टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे सभी जड़ें हट जाती है और हम दो सॉर्ड देखते हैं। गोंग और येन दोनों साथ में सॉर्ड निकालते हैं। फिर जमीन से एक गोल्ड बॉक्स निकलता है। गोंग उसे येन को दे देते हैं और अपने छोटे भाई को देने को कहते हैं और बताते हैं यही उसकी डेस्टिनी है। इसके बाद गोंग एक सॉर्ड येन को और दूसरी सॉर्ड चैन को देते हैं। फिर गोंग बताते हैं वो सॉर्ड उनकी डेमोन हंटर्स के द्वारा आने वाली जनरेशन को दी जाती है। तभी जमीन हिलती है और वो समझ जाते हैं कि डेमोन ट्रैप से निकल गया है, तो वो केव के ओर अंदर जाने लगते हैं। जाते हुए गोंग एक बैरियर एक्टिव कर देते हैं, जिससे डेमोन अंदर ना आ पाए। फिर वो एक ब्रिज पर आ जाते हैं, जहां नीचे हर तरफ लावा था। गोंग बताते हैं कि वो स्पिरिट रूम है, जिसे पहले डेमोन हंटर यूज करते थे। लेकिन तभी छत से डेमोन आ जाता है और गोंग को पकड़ लेता है। लेकिन गोंग एक टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे दीवार डेमोन से आकर टकराने लगती है और गोंग बच जाते हैं। फिर गोंग अपनी टेक्निक की मदद से डेमोन को एक ट्रैप में बंद करते हैं और लावा में गिरा देते हैं, जिससे लग रहा था कि आखिरकार गोंग जीत ही गए। लेकिन तभी एक बैल बजती है और हम देखते हैं कि एक लेडी गोंग की चेस्ट में आकर अपना हाथ आर पार कर देती है। ये देखकर दोनों भाई रोने लगते हैं, मगर गोंग अपने बेटों को बचाने के लिए अपनी आखिरी टेक्निक का यूज करते हैं और दोनों बेटों को वहां से कहीं और भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लेडी ऐसा होने से रोकने की कोशिश करती है और बैरियर तोड़कर येन के चेहरे पर एक स्क्रैच मार देती है, लेकिन फिर भी वो दोनों वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब 10 साल बाद हम देखते हैं कि येन भी काफी बड़ा हो चुका था और येन ने एक लिजार्ड की कॉस्ट्यूम पहनी थी। फिर हम एक बिल्डिंग में दो लोगों को देखते हैं, जिसने एक को उस बिल्डिंग के डेमोन को मारने के लिए बुलाया था। फिर वो डेमोन हंटर उस आदमी को बाहर भेज देता है और अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। लेकिन तभी वहां येन आ जाता है और उस डेमोन हंटर को बेहोश कर देता है। जब उस डेमोन हंटर को होश आता है, वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। फिर येन उससे पूछता है कि वो लोगों को डेमोन के नाम पर पागल क्यों बनाता है, जबकि वो डेमोन हंटर है भी नहीं। फिर वो आदमी बताता है कि उसने एक डेमोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, जिसकी मदद से वो लोगों को पागल बनाता है और जो भी प्रॉफिट होता है उसे आधा आधा बांट लेता है। ये सुनकर येन काफी हैरान होता है, क्योंकि लोग इतनी आसानी से पागल बन रहे हैं। फिर वो उस आदमी को लिजार्ड की कॉस्ट्यूम पहनाकर चले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि येन 14 साल का हो चुका है और अब वो ऑफिशियली डेमोन हंटर बन सकता है। फिर येन एक रिचुअल परफॉर्म करता है, जिससे येन के चारों तरफ लाइट आने लगती है और कुछ ही देर में लाइट हटती है और येन बताता है अब चैन ऑफिशियली रूप से डेमोन हंटर बन चुका है। फिर येन वो गोल्डन बॉक्स देता है, जो उसके फादर ने उसे चैन को देने को कहा था। चैन उसे खोलता है और उसमें से एक आयरन की स्टिक निकलती है। येन को भी समझ नहीं आता कि ये क्या है। फिर येन उसे अपने गले में पहन लेता है, क्योंकि वो उसके फादर ने उसे गिफ्ट में दिया था। तभी वहां पर एक ओल्ड मैन भागता हुआ आता है और बताता है उनके टाउन के लोग गायब हो रहे हैं और ओल्ड मैन उन्हें पैसे देने को कहते हैं। लेकिन येन को लगता है फिर से कोई इनके साथ स्कैम कर रहा होगा, इसलिए येन अपने भाई के साथ वहां से जाने लगता है। जाते हुए येन का हाथ ओल्ड मैन की पोटली पर लगता है और वो गिर जाती है।
येन उसमें वही बैल देखता है जो उसने अपने फादर के मरते टाइम देखी थी, जिसके बाद येन टाउन में जाने का डिसाइड करता है। येन अपने भाई के साथ टाउन में पहुंच जाता है और वो पूरी जगह धुंध से ढकी हुई थी, लेकिन तभी चैन गायब हो जाता है और येन को एक डेमोन कैट दिखती है जो धुंध में गायब होकर येन पर अटैक करती है। लेकिन फिर येन तेज घूमकर एक टोर्नेडो बनाता है जिससे धुंध हट जाती है और वो कैट डेमोन येन के सामने आकर गिरती है। येन उससे उस बैल के बारे में पूछता है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो कैट डेमोन येन से उसे ना मारने की कहती है। येन उसे टाउन छोड़कर जाने को कहता है और जैसे ही येन घूमता है वो येन पर पीछे से अटैक कर देती है। हालांकि येन पहले से ही तैयार था और स्टेल्स टेक्निक की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो मरने लगती है। लेकिन मरते वो येन से कहती है कि उसका भाई येन को मारकर उसका बदला लेगा। दूसरी तरफ एक दूसरा कैट डेमोन चैन पर अटैक कर रहा था। फिर वो डेमोन चैन को बच्चा कहता है, लेकिन चैन खड़ा होता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। येन भी अपने भाई की फाइट थोड़ी दूर से देख रहा था। फिर चैन एक लकड़ी उठाता है और कैट डेमोन के सभी अटैक से बचता हुआ उसके एक हिट भी मार देता है। अब इससे कैट डेमोन भी फाइट में सीरियस हो जाता है और अपनी तेज स्पीड के साथ चैन को घायल करने लगता है और चैन की लकड़ी भी तोड़ देता है। ये देखकर येन अपने भाई की मदद करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी चैन का लॉकेट ब्लो करने लगता है और जैसे ही चैन उसे पकड़ता है वो एक वेपन में बदल जाता है। फिर चैन उसे डेमोन पर थ्रो करता है। उस वेपन से इतनी ज्यादा पावर निकलती है कि दूर दूर तक उसे लोग महसूस करते हैं और वो लेडी जिसने गोंग को मारा था वो कहती है कि उन्होंने वेपन पर अटैक कर लिया है। फिर हम डेमोन को देखते हैं जो हैरान था कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। वो चैन को देखता है जो बेहोश हो चुका था। तभी वहां येन आ जाता है और उस डेमोन से बैल के बारे में पूछता है और उसे मारने की धमकी देता है। जैसे ही वो बैल बचती है वो डेमोन हिप्नोटाइज हो जाता है और बताता है एक लेडी स्मियर ने उसको बैल दी थी, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ये बैल बजेगी दोनों भाई आ जाएंगे। फिर येन स्मियर के बारे में पूछता है, लेकिन वो डेमोन बताता है कि उसका काम नहीं है, उसे सिर्फ डेमोन हंटर्स को मारना होता है। तभी वो बैल बहुत तेजी से घूमने लगती है और उस डेमोन के मुंह में चली जाती है, जिससे वो डेमोन एक्सप्लोड हो जाता है। फिर हम दो लोगों को देखते हैं जो वेपन को पहचान लेते हैं और उसे लेने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चैन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने एक डेमोन को मारा। फिर वो अपना वेपन उठाता है और वेपन फिर से अपनी छोटी फॉर्म में आ जाता है। फिर दोनों भाई घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों आ जाते हैं जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वो उस वेपन को स्कैन करते हैं और उस वेपन का नाम सीजन स्टॉप बताते हैं। वो दोनों भाइयों के पास आते हैं, लेकिन येन फाइट करने लायक नहीं था क्योंकि एक्सप्लोजन से उसे इंटरनल चोटें आई थी। चैन बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की स्टाफ देने की कहती है। येन फाइट करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो लड़की उसे हरा देती है। वो लड़की येन को मारने की धमकी देती है, लेकिन उसका साथी बीच में आ जाता है और बताता है कि वो लोग बुरे नहीं है। फिर वो येन की इंटरनल चोटें भी ठीक कर देता है, जिससे येन हैरान हो जाता है। फिर येन पूछता है कि उसे वेपन क्यों चाहिए। लड़की बताती है वो स्टाफ हमेशा से ही उनका रहा था और उसे गार्डियन ने भी यूज किया था। फिर वो दोनों अपना नाम बताते हैं, सारो और शु। फिर शु अपना मास्क हटाती है, जिसके बाद सारो बताता है कैसे गार्डियन को 100 साल पहले मार दिया गया था और उसकी सोल 72 टुकड़ों में बट गई। अब अगर उन्हें गॉड्स को सील से बाहर निकालना है तो गार्डियन की सोल के 72 फ्रेगमेंट लाने होंगे और वो फ्रेगमेंट ढूंढने के लिए उन्हें स्टाफ की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्टाफ के पास एबिलिटी है फ्रेगमेंट को ढूंढने की। लेकिन येन को लग रहा था कि स्टाफ की मदद से वो उस डेमोन को भी ढूंढ सकते हैं जिसने उनके फादर को मारा। फिर येन पूछता है कि उन्हें कैसे पता ये वही वेपन है। सारो बताता है, जब चैन से स्टाफ को एक्टिवेट किया गया था तब हर जगह सभी ने उसकी एनर्जी महसूस की और साथ ही डेमोन्स ने भी जरूर एनर्जी महसूस की होगी और वो भी सील ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि गॉड्स के साथ डेमोन किंग भी सील हो गया था। इस वजह से स्टाफ की तलाश में डेमोन्स भी आते ही होंगे, लेकिन अगर डेमोन्स ने पहले सील ब्रेक कर ली तो दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। ये सब जानने के बाद चैन स्टाफ उन्हें देने का तय करता है और येन भी उसमें अपने भाई का साथ देता है। लेकिन वो जैसे ही देकर जाने लगते हैं शु पीछे से चिल्लाती है और कहती है, क्या वो उन्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफ आयरन में बदल चुका है। पर जैसे ही चैन उसे पकड़ता है वो वापस गोल्ड का बन जाता है। सारो बताता है स्टाफ ने अपना नया मास्टर चेन को बना लिया है तो अब उनके पास भी उनके साथ ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोनों भाई भी उनके साथ जाने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो स्टाफ की डायरेक्शन में निकल जाते हैं सोल के फ्रेगमेंट को ढूंढने। वो सभी रेगिस्तान से जा रहे होते हैं तभी एक लेडी उनके रास्ते में बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। येन जैसे ही लेडी को देखता है वो उसकी तरफ उसकी हेल्प करने जाता है और देखता है वो लेडी घायल भी है, तो येन उसे शिप में ले जाता है। लेकिन शु येन को रोकती है क्योंकि वो किसी अनजान शिप को आने देना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे येन अंदर ले आता है और उसकी चोट का इलाज भी करता है। फिर सारो उस लेडी से पूछता है कि वो घायल कैसे हो गई। वो बताती है रास्ते में उसे कुछ गुंडों का ग्रुप मिल गया था जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो लेडी उनसे भागने में कामयाब हो गई। फिर वो लेडी उनसे उसे डार्क कैनियन तक छोड़ने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे फिर से रास्ते में वो गुंडे मिले।
तो येन बताता है कि वो भी सोल फ्रेगमेंट के लिए डार्क कैनियन ही जा रहे हैं। फिर वो लेडी उनसे सोल फ्रेगमेंट के बारे में पूछने लगती है और चैन स्टाफ के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। इस वजह से शू उसके ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि वो किसी भी अनजान इंसान को सब कुछ बता रहा है। उसी रात हम देखते हैं वो लेडी स्टाफ लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी सारो वहाँ आ जाता है और वो लेडी फिर से सोने की एक्टिंग करने लगती है। सारो वहाँ से फिर चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किसी को भी वो लेडी नहीं दिख रही थी और फिर चैन बताता है उसके पास वो स्टाफ भी नहीं है, वो गायब हो चुका है। ये सुनकर शू उसके ऊपर चिल्लाने लगती है लेकिन सारो शांत रहता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ एक गुंडों के ग्रुप ने उस लेडी की सिस्टर को पकड़ लिया था और उस लेडी का नाम सिंह है। उन गुंडों का लीडर सिंह को जानता था और बताता है कि वो सबसे बेस्ट चोर है। फिर वो लीडर सिंह को स्टाफ चुराने का काम देता है जिससे वो डेमोन्स पर भी रूल कर सके, क्योंकि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। सिंह को भी बात माननी पड़ती है अपनी सिस्टर को छुड़ाने के लिए। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां चारों स्टाफ को ट्रैक करके एक केव के पास आ जाते हैं और सारो बताता है कि ये केव भी ज्यादा भूलभुलैया जैसी है, तो इसमें सभी साथ रहना जिससे कोई खोए ना। फिर हम सिंह को देखते हैं जो स्टाफ गुंडों के लीडर को देकर अपनी सिस्टर के साथ जाने लगती है, लेकिन फिर लीडर उनका रास्ता रोकता है और कहने लगता है कि उसने उनके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। ये सुनकर सिंह अपने वेब का यूज करती है और लीडर को बांध कर गिरा देती है। ये देखकर एक दूसरा बंदा सिंह के सामने आ जाता है। सिंह उसके ऊपर स्टाफ का यूज करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर सिंह अपने वेब को उसकी आंखों पर मारती है और अपनी सिस्टर के साथ वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्दी वो दोनों गुंडे उसके पास आ जाते हैं और लीडर अपने अटैक से सिंह को जमीन पर गिरा देता है और दूसरा गुंडा वाला उन दोनों सिस्टर्स को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सारो बता रहा था कि इतनी बड़ी केव में स्टाफ ढूंढना मुश्किल हो सकता है, तो येन कहता है कि उन्हें दो ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए, तो वो चैन के साथ केव में जाने लगता है। कुछ देर बाद येन और चैन वहां पहुंच जाते हैं जहां लीडर ने दोनों सिस्टर्स को ट्रैप कर रखा था। लीडर सिंह की सिस्टर के पास आने लगता है। सिंह ये देखकर उस पर वेब शूट कर देती है। अब इससे लीडर बहुत गुस्से में आ जाता है और सिंह पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी सिस्टर अटैक के सामने आ जाती है और सिंह को बचा लेती है। सिंह की सिस्टर काफी खुश थी कि वो अपनी सिस्टर को बचा सकी, फिर वो बेहोश हो जाती है। येन ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और लीडर पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी केव में ब्लास्ट होता है और शू और सारो भी वहां आ जाते हैं। सारो देखता है उन गुंडों ने फ्रेगमेंट की पावर को ऑब्जर्व कर लिया जिसकी मदद से वो बैरियर बना पा रहे हैं। शू सिंह को मारने की कोशिश करती है लेकिन येन बीच में आ जाता है। तभी लीडर अपने साथियों को भी बुला लेता है, लेकिन सारो अपने मैजिक से एक टॉर्नेडो बनाता है और सभी गुंडों को केव से बाहर फेंक देता है। लीडर सिंह को मारने की कोशिश करता है लेकिन येन उसका अटैक रोक लेता है। तभी शू आती है और लीडर पर अटैक करके उसे पीछे कर देती है। सारो थंडर क्लाउड बनाता है लेकिन दूसरा वाला गुंडा बैरियर बनाने आ जाता है, पर शू उसे पंच मारकर दूर फेंक देती है। फिर सारो अपने क्लाउड से लीडर पर थंडर अटैक करता है। दोनों भाई दोनों सिस्टर्स को लेकर जाने लगते हैं। जाते हुए सिंह चैन से काफी माफी मांगता है उससे झूठ बोलने के लिए, पर चैन उसे माफ कर देता है क्योंकि उसने ये सब अपनी सिस्टर को बचाने के लिए किया था। हम देखते हैं लीडर अभी फाइट करने लायक था और सारो पर अटैक करता है, पर सारो उससे अटैक से बच जाता है और फायर अटैक कर देता है लीडर पर, लेकिन लीडर पत्थर की एक वॉल बना देता है जिससे सारो का अटैक उसके ऊपर ही चल जाता है। पर शू वहां आकर उसे बचा लेती है, लेकिन फिर लीडर सोल फ्रेगमेंट की पावर का यूज करने लगता है जिससे उन दोनों को फाइट करने में बहुत दिक्कत होने लगती है। सारो एक वाटरफॉल की मदद से बचने की कोशिश करता है लेकिन अब भी लीडर के अटैक वॉल के पार जा रहे थे। फिर शू लीडर पर अटैक करती है लेकिन वो एक रॉक शेल की मदद से बच जाता है। लीडर के पास पानी आ जाता है जिससे सारो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक करता है और शू लीडर पर एक्सप्लोजन करती है जिससे लीडर हार जाता है और सारो उसकी बॉडी से सोल फ्रेगमेंट ले लेता है। हम देखते हैं दोनों भाई सिस्टर्स को सेफ जगह पर ले जा रहे थे, लेकिन तभी वहां बैरियर वाला एनिमे आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर येन उससे फाइट करता है लेकिन वो एनिमे काफी ज्यादा फास्ट था। तभी कई सारे टेंटेकल आ जाते हैं एनिमे की बैक पर और उससे येन गायब भी हो जाता है। एनिमे येन को बैरियर में बंद कर देता है। तभी येन भी अपने भाई की मदद करने आ जाता है लेकिन वो येन को लात मारकर दूर कर देता है, लेकिन येन बैरियर तोड़कर बाहर आने लगता है। लेकिन तभी एनिमी येन पर अपनी मैजिक से अटैक करता है जिससे येन पत्थर का बनने लगता है। चैन अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बैरियर नहीं तोड़ पा रहा था। फिर चैन रोने लगता है लेकिन तभी उसका स्टाफ चमकता है और स्टाफ अपनी टू फॉर्म में आ जाता है। चैन स्टाफ की मदद से बैरियर को तोड़ता है और एनिमे का मैजिक भी रिवर्स होने लगता है, लेकिन एनिमे चैन को दूर फेंकता है और स्टाफ को पकड़ लेता है जिससे स्टाफ वापस छोटा हो जाता है और आयरन में बदल जाता है। एनिमे स्टाफ को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ कट जाता है। वो देखता है येन फिर से पूरी तरह ठीक हो चुका है। येन फिर से फाइट करने लगता है लेकिन अब की बार येन की स्पीड पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी और इसमें एनिमे को एक पुराने वॉरियर की याद आ रही थी। फिर येन उसको हिट करता है जिसमें एनिमे अपने घुटनों पर आ जाता है, लेकिन एनिमे को पता था कि डेमोन हंटर्स इंसानों को नहीं मार सकते,
फिर वो बताता है कि उसके मास्टर ने उसे ट्विन ब्लेड हंटर का पता लगाने को कहा था एक बार, और येन उसी का डिसेंडेंट है। येन को उस वॉरियर के बारे में पता लगाना था, लेकिन तभी एनिमी को बेल की आवाज सुनाई देती है और वो मर जाता है और उसके अंदर से फ्रेगमेंट निकलता है। उसी रात शिप पर सारो सिंह की सिस्टर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर सारो बताता है अगर वो सिंह की सिस्टर की सोल को सील कर दे और जब गॉड्स फ्री हो जाए तब वो उसकी सोल को किसी और की बॉडी में डाल सकते हैं, जिससे उसकी सिस्टर बच सकेगी। सिंह भी उसके लिए मान जाती है और सारो उसकी सोल को सिंह की रिंग में सील कर देता है, जिससे सारो को लगता है जैसे उसकी सिस्टर उसके पास ही है। दूसरी तरफ चैन सोच रहा था कि उसे क्यों चुना गया, बल्कि वो तो किसी को बचा भी नहीं सकता, लेकिन येन उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने उसको बचाया था। फिर येन बताता है उन्हें सिर्फ सभी फ्रेगमेंट को इकट्ठा करना है और सिंह की सिस्टर फिर से ठीक हो जाएगी। अब वो दोनों शिप में जाते हैं और स्टाफ दोनों फ्रेगमेंट को ऑब्जर्व कर लेता है। सिंह उसकी टीम में आने को कहती है क्योंकि वो भी अपनी सिस्टर को बचाने के लिए कुछ करना चाहती थी। येन काफी खुश होता है और उसे टीम में ले लेता है और सभी दुनिया को बचाने के मिशन पर निकल जाते हैं। लेकिन ये वीडियो अब यही खत्म होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।